एक दिन की बात है जब मोहनदास गांधी जी एक छोटे से बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे। सुबह सुबह वह स्कूल पहुँचे और आदर पूर्वक अपने शिक्षक को झुककर प्रणाम किया, सुप्रभात। सभी छात्र अपनी अपनी जगह बैठ गए। फिर शिक्षक ने कक्षा को बताया, आज स्कूल में एक इंस्पेक्टर आने वाले हैं। सभी अच्छे से बर्ताव करना, वह देखना चाहते हैं कि तुम सब कैसे पढ़ाई कर रहे हो। दोपहर को इंस्पेक्टर आए, उनका नाम था मिस्टर जाइल्स। मिस्टर जाइल्स ने कहा, चलो देखते हैं तुम बच्चों ने अब तक क्या सीखा है। इंस्पेक्टर ने घोषणा की कि वे 5 शब्द बोलेंगे और हर छात्र को उन शब्दों की सही स्पेलिंग अपनी स्लेट पर लिखनी होगी। एक शब्द था केटल। गांधी जी ने थोड़ी देर सोचा और लिखा KETEL। तभी उन्हें अपने जूते पर हल्का सा ठोकर महसूस हुआ। उन्होंने ऊपर देखा तो उनके शिक्षक उनके पास खड़े थे और हल्के से अपने पैर से इशारा कर रहे थे। शिक्षक ने अपने सिर से पास वाले छात्र की तरफ इशारा किया। गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था कि शिक्षक उनसे क्या कहना चाहते थे। क्या वे चाहते थे कि वे दूसरे छात्र की स्लेट पर नजर डालें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तो धोखा देना होगा। गांधी जी ने कुछ नहीं किया। शिक्षक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने फिर गांधी जी के जूते को ठोकर मारी। इस बार बड़ी बड़ी आँखों से शिक्षक ने सामने बैठे छात्र की तरफ इशारा किया। गांधी जी बस शिक्षक को देखते रहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब इंस्पेक्टर ने छात्रों को स्लेट दिखाने के लिए कहा, सबने अपनी स्लेट ऊपर उठा दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मिस्टर जाइल्स कहते हुए पंक्तियों के बीच से गुजरने लगे। तभी उन्होंने कहा, अरे वाह, केवल एक ही छात्र ने गलत लिखा है। वे गांधी जी की तरफ देख रहे थे। आपकी कक्षा तो पूरी तरह सही है, मिस्टर जाइल्स ने शिक्षक से कहा, बस एक छात्र छोड़ के। जब कक्षा खत्म हुई तो शिक्षक ने गांधी जी को अपने पास बुलाया। शिक्षक खुश नहीं थे। उन्होंने गांधी जी से पूछा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिक्षक बोले, तुम्हें दूसरे छात्रों की स्पेलिंग देख लेनी चाहिए थी तो मेरी कक्षा पूरी सही होती। गांधी जी उस रात घर लौटे और बहुत परेशान थे। वे उस घटना के बारे में सोचते रहे। उन्हें पता था कि नकल करना गलत बात होती है। उन्हें लगा कि सही जवाब देने से ज्यादा जरूरी था कि सच बोले। अगले दिन गांधी जी ने फिर अपने शिक्षक को झुककर प्रणाम किया, सुप्रभात। गांधी जी अब भी अपने शिक्षक का सम्मान करते थे। उन्हें पता था कि बड़ों से भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर शिक्षक ने उन्हें फिर से नकल करने के लिए कहा तो वे मना कर देंगे। गांधी जी ने उस दिन से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा जो वे कभी नहीं भूले। उन्होंने सच्चाई का हमेशा पालन किया। बड़े होकर उन्होंने भारत को आजाद कराने में मदद की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चाई और स्वतंत्रता का रास्ता सबसे अहम होता है। गांधी जी ने दुनिया भर के लोगों को सच और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने छोटे भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद और आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गांधी जयंती।